हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ अच्छिदा की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं सभी के लिए सबसे अच्छा फेवरेट बच्चों का खासतौर से संडे स्पेशल ब्रेड पिज्जा, जो कि बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी है। आप घर में इसे फटाफट बना सकते हैं, बच्चों के लिए स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या सामग्री लगती है। पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए गाइज। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ गाइज लाइक करिए। और इतनी मेहनत से मैं आपके लिए प्यार से वीडियो लाती हूँ और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और करवाइए सबसे। चलिए अब हम बनाते हैं। उसके लिए पहले हमें ब्रेड चाहिए, बड़ी वाली जो ब्रेड होती है फ्रेश ब्रेड वो लेंगे। उसके लिए देखिए अब सब्जियाँ जो आपको अवेलेबल हो, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और बेबी कॉर्न ये ले लेंगे। और आजकल तो बाज़ार में आप नहीं मिलता है ये, तो बाज़ार में आजकल भुट्टे आ रहे हैं, आप उसको ले आइए, इस तरह से निकाल के उबाल लीजिएगा फटाक से। पनीर, पनीर को मैंने शेजवान चटनी में थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होकर रख दिया है, नमक थोड़ा सा डाल के। ये शेजवान चटनी है, और नहीं है शेजवान चटनी तो आप हरी मिर्च और लहसुन को पीस के चटनी तैयार कर लीजिए, वो भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, आप वो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ है मार्केट में पैकेट आता है, ये बटर है। इस बटर को मैंने हरी धनिया, लहसुन और बटर में थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। इससे आप गार्लिक बटर भी ब्रेड बना सकते हो, जिसे कहते हैं गार्लिक ब्रेड। आप ये बहुत ही अच्छा ब्रेड में लगा के सेंक लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टमाटो सॉस, बटर और इधर ये ऑर्गेनो है जो कि पिज्ज़ा में पड़ता है बेस, इसका मसाला ये चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक है। चलिए अब हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे। देखिए पहले हम ये जो बटर बनाया था इसको हम अच्छे से इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे बढ़िया से। ये देखिए इस तरह हम लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ब्रेड में। अब हम इसमें टमाटो सॉस, आप हर चीज़ की सामग्री को बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी इसकी फिक्स है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हर चीज़ को, जैसा आपको पसंद हो। एक अलग और बच्चों के लिए संडे स्पेशल आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बड़ों को भी पसंद आएगा, ये बहुत ही अच्छा है। अब हम थोड़ी सी शेजवान चटनी भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से लगा दिया हमने। अब हम इसमें देखिए हम इस पर मेयोनीज भी लगा देंगे थोड़ी सी इस तरह से। मेयोनीज लगाने के बाद हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ पहले से इस पर थोड़ा सा डाल देंगे, इससे और अच्छा इसका टेस्ट और हो जाएगा। फिर हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे जो भी है ऐड करना हमें। ये देखिए फिर इसके बाद हम इसमें देखिए अब हम ये सब्जियां लगाएंगे अलग अलग। आप हर ब्रेड में अलग अलग तरह की हर तरह की सब्जियां लगा सकते हो, या नहीं है जो भी है आपके पास वो आप लगा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। इस तरह आप लगाइए। प्याज तो जो नहीं खाते वो अवॉइड कर दें, ऐसा जो भी आपको पसंद है गाइस सब्जियां फ्रेंड्स जो भी पसंद है। थोड़ा सा हम कॉर्न डाल देंगे हर जगह। ये देखिए और थोड़े सा हम पनीर वाला बनाएंगे। पनीर वगैरह जरा थोड़ा सा घर में बना रहे हैं तो आप डाल सकते हो अच्छे से बढ़िया से। इसी तरीके आप बाहर से बेस ला के भी बना सकते हो, बहुत ही यूनिक, मेरी बेटी को बहुत पसंद है पिज्जा वगैरह, मैं लेकिन घर पे ही बनाती हूँ। ये देखिए अब हम इसमें ऊपर से भी चीज़ ऐड करते हैं। बस चीज़ डालने में कंजूसी मत करिएगा, अगर इसमें कंजूसी हो गई तो ये समझ लीजिए सारा टेस्ट बेकार और मेहनत भी बेकार आपकी।
क्योंकि मजा तो इसी में है सारा। मस्त, देखिए कितना अच्छा कलरफुल और बढ़िया सा है। इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। जरूरी नहीं है ओवन हो, तवे पे आप सेक सकते हो, नॉन स्टिक कढ़ाई में भी आप सेक सकते हो। पिज्जा तो बहुत, ये देखिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पिज्जा सीजनिंग ऐड कर देंगे, ऑर्गेनो ऐड कर देंगे। ऑर्गेनो तो गैस तो सब में ही पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर टेस्ट नहीं आने वाला। और चिली फ्लेक्स तो आप अपने अनुसार रखिएगा कि कितना आपको तीखा चाहिए। ये देखिए रेडी हो गया, हम इसको सेक लेंगे। देखिए फिर अब हम इसमें ये बटर थोड़ा सा डालेंगे। धीमी आंच पे एकदम हम इसको सेक लेंगे। देखिए फिर इस तरह हम इसको बड़ी सावधानी से इसमें, और इसको फिर हम ढाक देंगे इसको थोड़ी देर, ताकि जो चीज़ और सब्जियाँ वो पक भी जाएंगी और चीज़ मेल्ट हो जाएगी। देखिए फिर हल्का साफ इसमें पानी से सीटम आ जाएगी, क्योंकि क्या है भाप बनी थी तो ये बढ़िया सा और ज़्यादा पक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ब्रेड पिज्जा रेडी हो गया है। अब आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे कटिंग कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा बना है। आप इसी तरह घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए ऐसे नई फ्लेवर के आप बना सकते हो, नई नई चीज़ें, नई सब्जियों को आप ऐड कर सकते हो। इसके आप इस ब्रेड की जगह आप आटे ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड ना लेके आप जैसा भी पसंद हो वैसा आप कर सकते हो। बस सामग्रियाँ ये रखिए और चीज़ अच्छे से डालेगा, इससे इसका बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और तीखा आप अपने चिली फ्लेक्स आप अपने अनुसार डालिए। देखिए हम इस पर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, ऑर्गेनो थोड़ा सा। आपको मार्केट में ये सब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बड़ा ही आसानी से मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स ब्रेड पिज्जा रेडी है, आप इसी तरीके बनाइए, बच्चों को खिलाइए, घर में सभी को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी है। और ये इस तरह से डिपिंग है, आप केचप ले सकते हो अगर आपको पसंद है इसके साथ तो खा सकते हो, बच्चों को तो पसंद आएगा केचप। फ्रेंड्स अगर पसंद आया हो आज का वीडियो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए गाइज, प्लीज़ प्लीज़ गाइज। मैं आपके लिए इसी तरीके और वीडियो लाती रहूँगी, नए नए वीडियो। बाय गाइज, थैंक यू।